नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश मानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज बड़ी खुशी की बात है दोस्तों कि मैं आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत ही मुश्किलों में रह कर भी परमेश्वर के वचन को कभी प्रचार करना नहीं छोड़ा। और आज हमारा यही सब्जेक्ट और विषय है कि जेल के अंदर परमेश्वर के वचन को किस प्रकार से ब्रदर ने सुनाया। और ब्रदर का नाम है ब्रदर एम जोनाथन, और जो कि अपना परिचय देंगे और आपको बताएंगे कि जेल में किस प्रकार से उन्होंने जीवन बिताया और जेल का किस प्रकार से रवैया होता है जो कैदी होते हैं उनके साथ, और परमेश्वर का वचन किस प्रकार से उन्होंने सुनाया। नमस्कार, मेरा नाम जोनाथन है। मैं इसी भिलाई में पला बड़ा हूं, और जैसे कि हमारे भाई ने बताया, पिछले 7 साल में मैं जेल में रहते आया हूं। मुझे आजीवन कारावास हुआ है। जेल किसी के लिए भी आसान नहीं है प्रिय भाई बहनों, जेल किसी के लिए भी आसान नहीं है। ये तो परमेश्वर की वो बड़ी दया है जिसके द्वारा मेरे दिन आसान हुए। जब मैं जेल में गया, उस जेल में मैंने देखा कि किस प्रकार से गिडियंस वाले न्यू टेस्टमेंट को, नया नियम को बांटकर जाया करते हैं। उस नए नियम का मैंने पूरा दुरुपयोग उस जेल में देखा। कदम कदम पर जेल के पन्ने फटे और बिखरे रहते थे। एक दिन उन्हीं पन्नों में एक नक्सली जे बाइबल का एक पन्ना लेकर मेरे पास आया और कहा, देखो लोग जेल में किस प्रकार से इस बाइबल को फाड़ रहे हैं, आप मसीह हैं। और मुझे लगा कि ये जो बाइबल का पन्ना फटा हुआ है मुझे आपको देना चाहिए, अब आप इसको कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे, देख लीजिए। मैंने उस पन्ना को लेकर अपने जेब में रख लिया, और इस प्रकार से रात में मैं जब सो रहा था तो मुझे लगा कि मेरे जेब में कुछ है। और जब मैंने उसे निकाला, उस फटे हुए बाइबल के पन्ने को निकाला, तो मुझे उस पन्ने में ये बात मिली, ये वचन मिला कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, पर मैं परमेश्वर अपने जन को, अपने बच्चों को, ने मानने वालों को ना कभी भूलता हूं, ना कभी त्यागता हूं, ना कभी छोड़ता हूं। तो वहां पर मैंने परमेश्वर की वाणी को सुना, मैंने परमेश्वर की वाणी को पढ़ा, मैंने परमेश्वर की इस बात को देखा कि परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमसे प्रतिज्ञा कर रहा है, और वो कह रहा है कि तुम्हारे अपने तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हारे अपने तुम्हें त्याग सकते हैं, तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ सकते हैं, पर मैं परमेश्वर अपने लोगों को ना तो भूलता हूं, ना त्यागता हूं, ना छोड़ता हूं। प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार से मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता था, उसी प्रकार से मैंने उस दिन परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, और उस विश्वास का परिणाम मेरे जीवन में ये हो पाया कि हम जब बहुत सी कमी घटियों में थे, हम जब बहुत सी परेशानियों में थे, हम जब बहुत से कठिनाइयों में थे, अगले दिन के लिए हमारे जीवन में ऐसा नहीं था, ऐसा ना कुछ रखा था कि हम अगले दिन इन चीजों को लेकर हम अपने समय को बिता सके। बड़ा खाली सा जीवन था। ऐसे समय पे जब मैंने परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, प्रिय भाई बहनों, मेरे जीवन में यह पाया कि परमेश्वर ने अपने बड़े करुणा से ना केवल मुझे
उस भयानक जगह पर अपनी भलाई से परिपूर्ण किया, वरन मेरे घर परिवार को भी उसने अपनी भलाई से भर दिया। आज हमारे जीवन में बहुत सी बातों की कमी है, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे जीवन में उस विश्वास की कमी नहीं है जिस विश्वास से मनुष्य का उद्धार होता है। प्रिय भाई बहनों, मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने जीवन को उस विश्वास में बनाए रखूंगा। मैंने उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और उस विश्वास के द्वारा मेरे जीवन में यह हो पाया कि मैंने परमेश्वर की बड़ी आशीष को प्राप्त किया। जी हां, आज मैं 12 दिन के पेरोल में आया हुआ हूं। ये पेरोल भी मेरे लिए आसान नहीं था, ये 12 दिन भी मेरे लिए आसान नहीं था। बहुत से रोड़े थे, बहुत से रुकावटें थी, बहुत सी परेशानियां थी, बहुत से आपत्ति थी, फिर भी उस विश्वास के बदौलत जो मैंने उस खुदावंत पर रखा, जो मैंने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर रखा, मेरे जीवन में ये हो पाया कि आज मैं 12 दिन के पेरोल में अपने घर परिवार अपने लोगों में आ सका, उनसे मिल सका। आज उस 12 दिन का 12वां दिन है और आज शाम को 5 बजे मुझे वापस उस जेल में जाना है। एक बड़ा बोझ इस समय मेरे मन में है कि मुझे फिर अपने परिवार से, अपने छोटे छोटे बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपनी माता से, अपने संबंधियों से, अपने सगों से फिर अलग होकर, फिर उनसे बिछड़कर वापस उस जेल में जाना है। प्रिय भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि आप सब बड़े बोझ के साथ मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि उस जेल में रहकर मैं निराश ना हूं, मैं हताश ना हूं, पर उस विश्वास में अपने आप को बनाए रखूं जो विश्वास मैंने जेल में रहते हुए परमेश्वर पर किया है। प्रिय भाई बहनों, जेल में रहते हुए मैंने बहुत से गीत लिखे हैं, जेल में रहते हुए बहुत सी आत्माएं परमेश्वर के वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा जो मैं वहां रहकर प्रचार करता हूं, बहुत सी आत्माएं विश्वास में आई हैं। जेल में एक सभा भवन है जहां पर हम सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार के दिन एक बड़ी भीड़ के रूप में इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना, उसकी उपासना और उसकी महिमा करते हैं। और इस प्रकार से आज जेल परमेश्वर की बड़ी आशीष से परिपूर्ण है। एक समय जेल में बड़ी बड़ी वारदातें होती थी, पर आज जेल बड़े शांति और सुकून से भरा हुआ है। एक समय बड़ा गंदा सा माहौल था वहां पर आज जेल बड़े आराम का घर बना हुआ है। और ये सब परमेश्वर के द्वारा उस जगह पर हो पा रहा है। जब से हमने वहां पर आराधना शुरू की, जब से हमने वहां पर प्रार्थना शुरू की, परमेश्वर की उपस्थिति हम उस जगह पर देख सकते हैं कि आज वो अशांत सा जेल किस प्रकार शांति से अपना समय व्यतीत कर रहा है, किस प्रकार से वो कठोर मन के लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा दीन और नम्र हुए। प्रिय भाई बहनों, जेल में रहने वाले उन हर एक विश्वासियों के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रार्थना करें, उनके घर परिवार के लिए आप प्रार्थना करें, उनके सगे संबंधियों के लिए आप प्रार्थना करें, उनके उस विश्वास के लिए प्रार्थना करें जो विश्वास उन्होंने वहां पर रहते हुए अपने जीवन में जगाया। एक गीत जो मैंने लिखा है, वैसे तो मैंने बहुत से गीत लिखे हैं, पर वो एक गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो इस समय जेल में रहने वाले हर एक विश्वासी गाते हैं। वो गीत के बोल ऐसे हैं, ऐ दिल तुझे कसम है, ऐ दिल तुझे कसम है, हिम्मत ना हारना,
जैसा भी वक्त आए रब को पुकारना। दुनिया की ठोकरों से ना टूट जाना कहीं, दुनिया की ठोकरों से ना टूट जाना कहीं, जीवन में तेरे है बाकी यीशु का प्यार अभी। तेरी तड़प को ना जाने ऐसा नहीं है प्रभु, तेरी तड़प को ना जाने ऐसा नहीं है प्रभु, जीवन में तेरे बाकी यीशु का प्यार अभी, यीशु का प्यार अभी। प्रिय भाई बहनों, ये गीत मैं आप लोगों के सामने गाना चाहता हूं और ये गीत इस प्रकार से है। दिल तुझे कसम है, हिम्मत ना हारना, जैसा भी वक्त आए रब को पुकारना। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, जय मसीह की।